आज मैं आप लोगों को एंड्रॉयड की 7 खतरनाक हिडन सेटिंग्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। और अगर आप लोग इस एंड्रॉयड की जगत में एक नूब प्लेयर हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को एक प्रो प्लेयर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने एंड्रॉयड फोन के परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हो और कैसे आप लोग अपने एंड्रॉयड फोन की प्राइवेसी को सिक्योर कर सकते हो। तो वीडियो में बने रहिएगा। देन विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप लोगों का एंड्रॉयड फ़ोन थोड़ा सा लैग करता है तो आप लोग इस हिडन सेटिंग की वजह से इसे काफ़ी हद तक कम कर सकते हो और इस हिडन सेटिंग की वजह से आप लोगों की बैटरी भी काफ़ी हद तक सेव होगी। तो इसे इनेबल करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने एंड्रॉयड फ़ोन की सेटिंग में जाओ, देन अबाउट फोन में जाओ। उसके बाद आप लोग बिल्ड नंबर पर 7 बार टाइप करो। इससे आप लोगों का डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। और अगर आप लोग एक MI यूजर हो तो आप लोग सिंपली MI UI नंबर पर 7 बार टाइप करना। डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आप लोग सिंपली एडिशनल सेटिंग में जाओ, देन उसके बाद आप लोग डेवलपर ऑप्शन में जाओ। देन उसके बाद आप लोग सिंपली नीचे स्क्रॉल करके विंडोज एनिमेशन, ट्रांजिशन एनिमेशन एंड एनिमेशन ड्यूरेशन स्केल, इन तीनों को सर्च करके इसे डिसेबल कर देना। इससे आप लोगों की काफ़ी हद तक बैटरी भी सेव होगी और आपके एंड्रॉयड फ़ोन का जो एनिमेशन होता है वो ख़त्म हो जाएगा, जिससे आप लोगों का एंड्रॉयड फ़ोन लैग नहीं करेगा। अगर आप लोग एक गेमर हो और आप लोगों का फ़ोन थोड़ा सा स्लो है तो आप लोग इस सेटिंग की मदद से उसे काफ़ी हद तक बूस्ट कर सकते हो। इस सेटिंग को इनेबल करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने एंड्रॉयड फ़ोन के डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर लो। देन उसके बाद आप लोग डेवलपर ऑप्शन में जाकर फोर्स 4xMSAA इस टॉगल को इनेबल कर लो। इसे इनेबल करने के बाद आप लोगों का एंड्रॉयड फ़ोन परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। आप लोग इसे एक बार चेकआउट ज़रूर करना। हमारी जो तीसरी हिडन सेटिंग है ये सबके फ़ोन में होता ही होता है, मगर इसे बहुत कम लोग यूज करते हैं। इस सेटिंग की मदद से अगर आप लोगों का ये जो पुराना फ़ोन है कभी ख़राब हो गया तो आप लोग जैसे ही नया फ़ोन लोगे उसमें अपना जीमेल आईडी इंटर करोगे और आप लोग अपने पुराने फ़ोन के मैसेज, कॉन्टैक्ट, ऐप सब कुछ वापस ला सकते हो सिर्फ एक क्लिक में। तो इस सेटिंग को इनेबल करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने एंड्रॉयड फ़ोन के सेटिंग में चले जाओ, देन गूगल में जाकर बैकअप वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। देन उसके बाद आप लोग इस टॉगल को इनेबल कर लो। इससे आप लोगों का जो एंड्रॉयड फ़ोन का डाटा है वो गूगल ड्राइव पर अपलोड हो जाता है। अगर आपका फ़ोन कोई आपका रिलेटिव मांगता है तो देना पड़ेगा, मगर आप लोगों को अपनी प्राइवेसी भी तो सिक्योर रखनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने सेटिंग में जाना, तो उसके बाद वहाँ पर सर्च करना सेकंड स्पेस या फिर गेस्ट मोड। इसे सर्च करने के बाद सिंपली आप लोग इसे इनेबल कर देना। इनेबल करते ही आप लोगों से एक पासवर्ड बनवाएगा, तो उस पासवर्ड को आप लोग याद रख लेना क्योंकि इसी से आप लोग वापस आने वाले हो। ये एक्चुअली मैं आप लोगों के फ़ोन को एक नया फ़ोन बना देता है और यहाँ तक कि उसमें सारे ऐप में लॉगिन करना भी पड़ता है अगर कोई बंदा आप लोगों का या फिर कोई रिलेटिव आप लोगों का उस फ़ोन को एक्सेस करना चाहता है। यानी कि साफ भाषा में कहूँ तो वो फ़ोन एक नया फ़ोन बन चुका होगा और उस बंदे को उस फ़ोन में कुछ भी नहीं मिलने वाला। और जैसे ही आप लोगों को वापस आना हो तो आप लोग इस आइकॉन पर क्लिक करना जो आप लोगों के सारे ऐप्स में से अलग होगा, या फिर आप लोग सेटिंग में जाकर सर्च कर लेना फिर से सेकंड स्पेस और वहां से आप लोग सिंपली उस पर टैप करना और उसके बाद आप लोग अपना पासवर्ड इंटर करके वापस आ जाना। मैं इसे रिकॉर्ड करके दिखा तो नहीं सकता मगर ये बहुत सिंपल है, आप लोग एक बार चेकआउट ज़रूर करना। समय के साथ साथ मोबाइल तो बड़े होते ही जा रहे हैं, मगर अगर आप लोगों की उंगलियां थोड़ी छोटी हैं और आप लोगों को कीबोर्ड में टाइप करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता है तो आप लोग सिंपली अपने कीबोर्ड के इंटर की को प्रेस रखो, तो उसके बाद आप लोग इस हैंड वाले अकाउंट पर क्लिक कर दो। उसके बाद आप लोग इन टूल्स की मदद से अपने कीबोर्ड को अपने हिसाब से कम्फर्टेबल बना सकते हो। कहीं भी आप लोग अपने कीबोर्ड को स्क्रीन में होल्ड कर सकते हो, कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो और आप लोग अपने इस कीबोर्ड को 100 मोड में भी चाहो तो यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि आपने जो YouTube में सर्च किया या फिर जो वीडियो आप लोगों ने देखी है वो आप लोगों के सर्च हिस्ट्री या फिर वॉच हिस्ट्री में ना दिखे, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने YouTube ऐप के प्रोफाइल में जाना, देन उसके बाद आप लोग अपने सेटिंग में जाना। उसके बाद आप लोग हिस्ट्री एंड प्राइवेसी में जा करके इन दोनों टॉगल्स को डिसेबल कर देना। इन दोनों टॉगल्स को डिसेबल करने के बाद आप लोगों की सर्च हिस्ट्री एंड वॉच हिस्ट्री दोनों ही बंद हो जाएगी और आप लोगों ने जो वीडियो देखा है या फिर जो सर्च किया है वो किसी को भी नहीं दिखेगा। प्राइवेसी को सिक्योर बहुत कर लिया, अब थोड़ा सा हैक करते हैं।
अगर आप लोगों के किसी रिलेटिव ने या फिर आपके किसी फ्रेंड ने आपको फ़ोन किया है और उसने अपने गैलरी, वीडियो या फिर फाइल मैनेजर में लॉक लगा कर रखा है, तो फिर भी आप लोग उसके प्राइवेसी को, मतलब कि उसकी फ़ोटो वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना, वहाँ पर सर्च करना file:// sdcard। इतना सर्च करने के बाद आप लोग उस एंड्रॉयड फ़ोन के पूरे फाइल मैनेजर को एक्सेस कर लोगे, वो भी बिना किसी पासवर्ड के। और अगली बार अगर आप लोग अपने फ़ोटो, वीडियो और फाइल मैनेजर को सिक्योर करने के चक्कर में पड़ना, तो क्रोम में ज़रूर लॉक लगा लेना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन हिट लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।